हाँ, यही विश्वास है और ईश्वर से दुआ भी करते हैं कि आज जो भी फैसला हो हमारे पक्ष में हो, भारत की जीत हो, कुलभूषण की जीत हो, उसके परिवार को और हमारे आज पूरे देश को जो है एक खुशी मिले और वे वतन लौट कर वापस आए। तो जो भारत की तरफ से भी कुछ तथ्य दिए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि भारत जो है इस मामले में सफल हो पाएगा, अपने तथ्य पूरे पेश कर पाएगा? बिल्कुल, उन्होंने जैसा कि अभी तक अपने पक्ष जो है बड़ी मजबूती से रखे हैं और उसी का आज अंजाम है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आज उसकी रिहाई के और जो उसकी सज़ा है उसे रद्द होने की जो हमें विश्वास है, इसी की वजह यही है कि हमारा पक्ष बहुत मजबूत है और जो पाकिस्तान ने अपने तथ्य रखे हैं वे झूठे वहाँ पर साबित हुए हैं और झूठ झूठ ही होता है, और जो हमारी सरकार ने पक्ष रखे हैं वे मजबूत है, मजबूती से लड़ रहे हैं, इसीलिए हमें यकीन है कि आज हमारे पक्ष में होगा। जैसे कि सरबजीत के मामले में हुआ था, जब भारतीय दबाव जो है या इंटरनेशनल दबाव जो पाकिस्तान पे बन गया था ज्यादा, तो उसकी हत्या करवा दी गई थी वहाँ जेल में, तो इस मामले में भी ऐसा हो सकता है? कुछ भी पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं, कुछ भी पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीयत है और नीति दोनों ही हमारे प्रति ख़राब है। वे हमारे साथ कभी भी सच्चे दिल से दोस्ती नहीं कर सकता। एक बेईमान हम कह सकते हैं कि वे देश है, आतंकवादी देश है, वहाँ पर आतंकवादियों को जमानत मिलती है, सरबजीत के जो हत्यारे हैं उनको बरी कर दिया जाता है ये झूठ बोल कर कि इनके पर्याप्त सबूत नहीं हुए, जबकि वहाँ पर खड़े होकर हत्यारे अदालत में मानते हैं कि हमने हत्या की है। तो पाकिस्तान के लिए जो भी सोचा जाए, जो भी हम कर सकता है, हम सोचें कि पाकिस्तान हत्या भी कर सकता है, पाकिस्तान छोड़ने में देर भी कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है ही, उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जो कि शायद वह भी बहुत थोड़े होंगे। तो पाकिस्तान एक बेईमान और भरोसे के लायक नहीं है, वे आतंकवादियों का जो है जन्मदाता, और जो इमरान समझौता करके आया, एक आरबी के साथ समझौता किया उसने, वहाँ के जो ISI हैं उनके साथ समझौता करके, तो वे आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तो वे उनकी मानेगा, उनका दबाव के नीचे काम करेगा, और लेकिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर जो फैसला आता है तो उसे मानना उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर उसकी बदनामी होती है अगर वे नहीं मानता है, तो उसे मानना तो पड़ेगा, लेकिन देरी वे जरूर कर सकता, आनाकानी कर सकता, हमें नखरेबाजी कर सकता है, हाँ सौदेबाजी भी वो हमारे साथ कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव है, जो कश्मीर हमले के बाद जो भारत का दबाव तो है ही है, जो अमेरिका का दबाव है और उसकी माली हालत भी जो अच्छी नहीं है, और अमेरिका ने धमकी भी दी है कि अगर आतंकवाद को सपोर्ट बंद नहीं की तो उसको जो एड है वो रोक ली जाएगी, हो सकता है कि वो मान ले इस निर्णय को? हाँ, हो सकता मान ले, ईश्वर से भी हम दुआ करते हैं कि उसे सद्बुद्धि दे ताकि वे इस फैसले को आज मान ले और जो कुलभूषण है उसे रिहा कर दे, दुनिया में अपना एक अच्छा पड़ोसी होने का, एक जो अच्छा दोस्त होने का एक मतलब लोगों को सबूत दे कि मैं एक अच्छा हूँ, दूसरे अन्य देशों की तरह मैं भी एक भावना रखता हूँ कि मेरे अन्य देशों के साथ संबंध जो हैं वे अच्छे हों। उसके ऊपर ये दबाव तो खैर है ही, लेकिन उस दबाव का भी हमें असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि रोज ही हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमले होते हैं, कभी जवान बेचारे शहीद हो रहे हैं, तो कभी जख्मी हो रहे हैं, तो कभी आतंकवादी वहां पर पकड़े जा रहे हैं, तो कभी मारे जा रहे हैं। अभी अमली तौर पर उसने उसको नहीं स्वीकारा, माली हालत तो उसकी शुरू से ही है वो तो हम लोग जानते हैं, और जिस तरह से वो जिस चाल पर चल रहे हैं, जो कुछ वो हो रहा है, तो जो जब उसकी नीयत ही खराब है तो बेचारा देश वो तो भुगतेगा ही उसको। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बरी हो जाएं, लेकिन अगर उनको सिविल कोर्ट ट्रायल की बात की जाए तो क्या चाहेंगी आप? मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हमारे ही देश से जो है एक वकील जाना चाहिए, अगर वहाँ का वकील होता है तो वे उन्हीं की बात करेगा और उसकी वो उनके साथ मिलकर लड़ेगा, जैसा कि सरबजीत के केस के अंदर हुआ, वे अदालत में पेश ही नहीं होता रहा, और जबकि हमने एक वकील किया था खुद, तो उसने 5 लाख हमसे फीस भी ली थी, 5 लाख और मांग रहा था, लेकिन उसने अदालत के अंदर एक दिन भी पैर नहीं रखा था, उसने अदालत में ना जाने की फीस हमसे वसूल की थी। तो ये लोग तो अदालत में पेश भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारे देश के को चाहिए कि अनुमति लें और यहाँ से एक वकील चाहिए जो अपना पक्ष रखे, अदालत को वहाँ पर मजबूर करे इस बात को मानने के लिए कि तुम्हारा जो देश है, जो यहाँ पर जो केस चलते हैं, जो ये कार्रवाई करते हैं, ये एक झूठी फर्जी मुकदमे होते हैं, फर्जी गवाह होते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपना पक्ष रख पाए और उसको सुना जाए, उसे माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ी कॉम टीवी।